गाइस ये रहा चिकन आज का हमारा, जो कि बनाया है सैमू साहब ने। ये देखो वाह, वो तो टेस्ट तो पता चलेगा बाद में, खाने के बाद। ये मेरी थाली, ये खुबूस आ चुका है, इधर चिकन आ चुका है, और चिकन का मैं टेस्ट क्या है वो मैं आपको चेक करके बताऊंगा। ग्रेवी है, ठीक है। ये चिकन का लेग पीस है, ये देख रहे हो। तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। मेरी आवाज़ गूंज रही ना, मैं भी बिल्डिंग्स के अंदर हूँ और यहाँ का हुआ है तो पूरा अंधेरा है लाइट के लिए, और मैं दरअसल शॉप पे जा रहा था तो मैंने सोचा व्लॉग आज यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। दरअसल आज जो दिन है वो जुमा स्पेशल है, मतलब कल जुमा है, आज बृहस्पतिवार है, कल शुक्रवार। तो जुमे का एक दिन पहले ना काम का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, इसलिए आज थोड़ा काम ज़्यादा रहेगा और कल शायद छुट्टी का माहौल होगा, तो शायद कल से उनकी छुट्टी भी होगी। तो चलते हैं दुकान में, दिखाते हैं आपको बाहर का नज़ारा। तो दोस्तों ऐसा कुछ माहौल है अभी बाहर का, तो चलते हैं दुकान पे क्योंकि वक्त जो है वो ज़्यादा हो चुका है, आज थोड़ा लेट जा रहा हूँ शॉप पे। ये रहा मेरा शॉप, तो भैया बस यहाँ पे यही इतना लॉक होता है, देख रहे हो ना, और किसी लॉक की ज़रूरत नहीं होती। सारे फ्रीजर्स वगैरह ऑन है, एसी ऑन करना है बस, एसी, क्योंकि एसी की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे दुकान में आते हैं तो लोग ऑर्डर आना स्टार्ट हो गए, फर्स्ट ऑर्डर। वालेकुम सलाम, अभी अभी आया हूँ, अभी अभी ऑर्डर आया है तो क्या कर सकते हैं। मैंने कहा अभी याद भी नहीं है, अभी दुकान का माहौल पूरा चेक करना है, उसके बाद डिलीवरी वाला आदमी आएगा, जब माल आएगा थोड़ा लेट होगा। मैंने एसी भी ऑन कर दिया, बिना एसी के ना आप रह नहीं सकते दुकान में, 15 मिनट नहीं रह सकते हो, मतलब एक तो गर्मी, ऊपर से रूम दुकान के अंदर इतने सारे फ्रीज़र लगे हुए हैं जिनका जो कंप्रेसर है वो गर्म हवा फेंकता है, जिसकी वजह से थोड़ा यहाँ पर रहना मुश्किल हो जाता है। बाकी चेयर वगैरह हमारी इधर पड़ी हुई है, देख ही रहे हो आप, और एसी हमारी चालू हो ही गई है। एसी में एक प्रॉब्लम है साला, इसका जो विंडो है ये बार बार मुझे उठाना पड़ता है, और इसकी सर्विस भी करो, ये बोला कोई एसी की भी कोई आईसी होती है वो ख़राब है। हमने कहा उसके पैसे ज़्यादा बता रहा था, मैंने सोचा यार क्यों इतने पैसे लगाने भाई, क्यों लगाने इतने पैसे, ऐसे ही काम चल जाएगा बस, काफ़ी है। तो चलो दिन की शुरुआत कर लेते हैं, ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं आप लोगों के साथ। और चेक करो इधर कौन आया है, कौन है, मीनिंता अहमद आया, अभी तकंदूरा बन गुबे ना था, अगील था, लेश माफी मशहूर। तो अभी ये पहन के आया है, देख रहे हो तकंदूरा वगैरह पहन के आया, और इसको वो भी लगाता है गतरा सवा सवा ताल, गतरा सवा सवा, ओके, अगील कमान और गतरा सवा सवा, इसके पास वो भी है ना जो लगाते हैं सर पे यहाँ बांधते हैं, तभी वो कह रहा है वो लेके बांध में बात सलाह ताल सवा सवा, ओके, तो नमाज पढ़ के आएगा तभी लगा के आएगा, अदर जीन, ओके। तो गाइस फाइनली हम रूम पे आ चुके हैं, और आज रूम पे चिकन का प्लान है क्योंकि आज है फ्राइडे की नाइट, यानी कल फ्राइडे है, तो आज हम लोग चिकन बना रहे हैं। ये रहा चिकन जो कि अभी पीसेस में आपको दिख रहा होगा, साथ ही साथ आपको यहाँ पे लहसुन प्याज और मिर्ची दिख रही होंगी। इधर जा रहा है कढ़ाई में तेल, जितना भी चाहिए होगा, चावल इधर जो है वो पक रहे हैं ऑलरेडी, तो अभी तेल जैसे गर्म होता है, गर्म होने के बाद यहाँ पे लहसुन प्याज मिर्ची हो चुका है, ठीक है। तो श्यामू आज का चिकन बढ़िया इंटरेस्टिंग टेस्टी बनना चाहिए, ठीक है ना, और हमें यही चाहिए होगा, तुमसे उम्मीद है, जो देखने वाले लोग हैं हाँ उनको ना मज़ा आना चाहिए, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे कि ऐसे शॉर्ट्स आपको आज देंगे कि आप लोग भी देखो यार कि हाँ यार आज चिकन बनाए, कैसा बनाया चिकन वो आपको देख के पता चलेगा। तो चिकन की जितनी भी सारी रेसिपी है आज श्यामू बना रहे हैं, क्योंकि
आपने देखा कि पिछले कम से कम 102 बार मैंने बनाया होगा ना सेमू, कम से कम 1-2 बार मैंने बनाया पिछले, लेकिन आज सेमू बना रहे हैं। पूरी रेसिपी आपको सेमू समझाएंगे एक एक करके, ठीक है? तो बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहो। देख सकते हो ये लहसुन तेल में जा चुका है और अभी पक रहा है। इधर अभी और भी चीज़ें पड़ी हुई हैं जिसमें कि आपको प्याज भी दिखेगा और ये है टमाटर, बिल्कुल फ्रेश ताजे, ऐसा लग रहा है खेत से अभी टूट के आए हैं। ग्रीन कलर अभी भी नज़र आ रहा है, ठीक है? तो ये सीन है अभी फिलहाल यहाँ का। और यहाँ पे देखो प्याज रहा, ये रही मिर्ची और ये रहा चिकन। तो बस थोड़ी देर का इंतज़ार और है और इधर ये जो प्याज वगैरह है वो पक रहा है, तो इंतज़ार कर लेते हैं थोड़ी देर का। लहसुन जो हमारा है वो भी ब्राउन हो चुका है, इसमें मिर्च भी डाल जा चुकी है और बाकी रहा प्याज, प्याज ये भी जाएगा, ये रहा प्याज, ये रहा प्याज। क्यों? क्योंकि अभी इसमें इसकी भाप में पकेगा, ये इसमें टाइम लगेगा थोड़ा। तो गाइस अभी इधर आप देख सकते हो, इधर लहसुन प्याज टमाटर जो है गर्म हो चुका है, पक चुका है और अभी ये चिकन आप देख रहे हो ना, चिकन जाएगा ग्रेवी के अंदर। ये देखो खूबसूरत तरीके से इधर ये रहा चिकन, ये कम से कम 2 kg के आसपास चिकन है और आज सारे लोग चिकन खाएंगे, इसके लिए मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखा देते हैं कि हमारे पास जो फ्राइडे की नाइट होती है, ये रही लेग पीस। फ्राइडे को जो नाइट होती है वो एक इंटरेस्टिंग होती है क्योंकि बहुत सारे लोगों को सुबह जाना होता है, बहुत सारे लोगों को सुबह नहीं जाना होता है, तो हमने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखाते चलें, ठीक है? तो ये आप देख सकते हो बिल्कुल बारीकी से यहाँ चिकन इसमें डाल दिया है और अभी थोड़ा सा टाइम और लगेगा, लेकिन हाँ बन जाएगा। जब बन जाएगा हम तब भी आपको दिखाएंगे और बनाते हुए भी हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है? तो जस्ट वेट एंड वॉच। ये रहा ग्रेवी अच्छी बननी चाहिए, चिकन अच्छा बनना चाहिए, बस चिकन अच्छा बनना चाहिए क्योंकि पता है सुबह का किसी को पता नहीं, ठीक है ना? क्या बना, दाल रखी है वैसे भी, दाल वाल तुम लोग बनाने चावल बनाना अपना खा लेना, लेकिन अभी के लिए चिकन अच्छा बनना चाहिए, ठीक है ना? तो आप देख सकते हो दोस्तों ये टमाटर कट के भी जा चुके हैं और ग्रेवी जो है ज़बरदस्त बनने वाली है, मैंने सामू को पहले से बोल दिया है। गाइस फाइनली खाना जो है वो बन रहा है और अभी आया है ज़ियाद। कहाँ गया था? अरबी था, क्या कह रहा था? धोती और तंदूरा होगा वो, लुंगी लुंगी होगी उसकी, तो इसीलिए गया हुआ था। और खाना भी बन रहा है, अंदर बना रहा है सामू और इधर बैठे हैं दद्दा। और देखो सामू क्या लेट है अभी, टाइम 10 मिनट और लगेगा। तोला राम भैया खाना साथ में खाना है, खाना है, बीन बजा रहे हैं तोला राम भैया, करण नहीं हो गया। तो अभी देखते हैं, खाना बनने में थोड़ा सा टाइम है और हम यही चाहते हैं कि सब लोग साथ में खाना खाएं। सीमा भाई बाथरूम गया, दद्दा बाहर बैठे हुए हैं और ये कर बैठे हैं जियाद। तो इसे हमसे किसी ने उस दिन कमेंट किया कि जियाद से पूछ के बताओ कि जियाद की गर्लफ्रेंड कितनी है, तुमने तो देखा वो वीडियो कमेंट? मुझे से मेरे से किसी ने कमेंट किया, अब तुम बताओ क्या सीन है इसका? कोई नहीं है, नहीं है, अल्लाह नहीं है, कोई लड़की नहीं थी, लड़का ही था। ये ज्यादा खुश मत हो, लड़का ही था वो, कौन? वो क्या था वो, अगर आपके पास आया था तो सिंगल बता रहा है हमें, तो अल्लाह कोई सामान है, सब्जी है, भाजी है कोई, ठीक है? तो इसका ही भैया यही मानना है, देख सकते हो आपको। और देखते हैं अभी खाना बनने में थोड़ा सा टाइम है। वालेकुम अस्सलाम सरफराज जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा लेट आ रहे हो, कहाँ गए थे? गुंडी कर गया। गुंडी कर गया, बैठो बैठो और सुनाओ क्या चल। काम से बंद किया, बंद करने के बाद आपने वीडियो देखा वाला? नहीं मैंने अभी तक नहीं देखा वो, चैनल पे पढ़ चुका है चैनल पे यार, मैंने डाल दिया, तुमने 3-4 दिन हो गए मैं डाल दिया उसको। खोला अभी, खोला यूट्यूब नहीं खोली आपने, ये तो गलत बात है ना। मेरा इंटरव्यू आया है। हाँ मैं इंटरव्यू आया, उसमें चेक करो ना। तो दोस्तों अभी सरफराज भाई चेक करने जा रहे हैं, इनका जो इंटरव्यू आया था जो मैंने शूट किया था अपने चैनल पे, दूसरे वाले चैनल पे, उस पर आपको मिलेगा कि मैंने कोई क्या शूट किया था। देख के बताओ, मेरा चैनल डालो VIP व्लॉग, VIP व्लॉग, VLOG जी यही है। इसमें थोड़ा नीचे जाओ, आपकी फ़ोटो लगी होगी उस पर। नहीं नहीं इसमें नहीं है, आप उसी पे जाओ, उसी पे जाओ, हाँ इस पे जाओ, नहीं नहीं
मेरे मेन चैनल पे जाओ, यहाँ पे जाओ। हाँ क्या हो गया, मेन चैनल पे जाओ, मेरे वीडियोस में जाओ, वीडियोस में जाओ। यहाँ पे आपकी फ़ोटो कहीं लगी है? वीडियोस में जाओ, वीडियोस में, वीडियोस में यहाँ पे जाओ, वीडियोस में कहीं फ़ोटो लगी है आपकी? ये लगी फ़ोटो, ये लगी फ़ोटो, ये रहा वीडियोस, इसको ये रहा वीडियो। तो यहाँ पे सरफराज भाई का इंटरव्यू है। बहुत सारे लोग मेरे सवाल कर रहे थे कि भाई ये आपका रूममेट है, रूममेट है। हाँ जी रूममेट है, देख रहे हो अभी रूम में आए हुए हैं। क्यों सरफराज, क्या कहना चाहोगे? मैंने जो भी आपने बात बोली ना, आप देखना पूरा वीडियो, मजा आएगा आपको। मैंने कुछ काटा नहीं है, काटा बस वही है जहाँ पे थोड़ा सा ऐसा लगेगा। ये मैंने वीडियो स्टार्टिंग में डाला है, आप देख लेना बस उसको। तो गाइस अभी सरफराज उसको ध्यान से देखेंगे, उसके बाद में भी इसका जो रिस्पॉन्स है वो देंगे अभी क्या सीन है। तो गाइस अभी आप देख सकते हो यहाँ पे चिकन की तैयारी जो हो चुकी है। यहाँ पे चावल 5 थालियों में निकल चुके हैं और खाने वाले ये देखो, ये लोग नाक बड़ी कौन ले रहा है? तो गाइस ये रहा चिकन आज का हमारा, जो कि बनाया है सैमू साहब ने, अच्छे से बनाया है और दिखाते हैं हम आपको। ये देखो वो तो टेस्ट तो पता चलेगा बाद में खाने के बाद। शिवम आ जाओ नीचे, ये देखो। तो खाने वाले में से आज हम सिर्फ 4 लोग हैं, 5 लोग हैं और 5 थाली इधर निकली हुई हैं, 4 उधर, एक इधर, 5 लोग हैं। ये देखो कर बोलना, कर डाल दे भाई, बोलो हाँ खाएगा, हाँ ना, हाँ ना, ये मत खाएगा, खाएगा क्यों नहीं खाएगा, उधर खाएगा, उधर देख के नहीं, तुम खाएगा। हाँ मैं तो खाएगा, ये स्लो मुकाले पे लेके जाएगा, खाएगा तुम है? बुल्टा बुला रहे हो तुम, दोस्तों जो चिकन अभी हम लेके आए हैं मार्केट से, देख रहे हो इधर पक चुका है। पकने के बाद इधर खाने के लिए हम, ज़ियाद, दद्दा, सैम और शिवम, 4 लोग बैठे, 5 लोग बैठे हुए हैं और अभी देखते हैं क्या सीन बनता है। और सैम एक फ़ोटो खिंचा रहे हैं ना, बस इस चावल हटा देते हैं बस। तो गाइस अभी यहाँ पे जो खाना है वो स्टार्ट हो चुका है, देख रहे हो शिवम जो है यहाँ पे खाना खा रहे हैं। शिवम कैसा बना भैया चिकन? परेशान मत होना, बता देना कैसा बना शिवम। शिवम कैसा बना, अच्छा बना है? उठाओ उठाओ कोई अच्छा सा, अच्छा सा पीस सामने और बताओ इसका टेस्ट। ये है ना अभी इसकी इसकी शक्ल देख सामने। हाँ भैया इसमें बड़ा अच्छा आता है। कितना फर्क है? मैंने एक वीडियो बनाई थी तो मैं इसको सोच रहा था क्या बेहतरीन शक्ल है। सही है ना? नहीं नहीं, नहीं इस पे जब आपका यानी कि वो छोड़ो दादा, एक बार बताओ टेस्ट कैसा है? बताएगा कैसा बनाया चिकन? 10,000 हो गए होंगे, 10,000 नहीं हुए अभी? क्या जी? अभी 10,000 नहीं हुए, 10,000 नहीं हुए अभी, होने वाले हैं। मस्त बना है ना? अच्छा बनाया। अच्छा दोस्तों अभी मैं भी चेक करूंगा। ये रही मेरी थाली जो कि सैमू भाई ने अभी हमें परोस के दी है, और देख रहे हो ये खुशबू आ चुका है, इधर चिकन आ चुका है। और चिकन का मैं टेस्ट क्या है वो मैं आपको चेक करके बताऊंगा, पहले हम चेक कर लेते हैं। ये रहा सालन ग्रेवी, ठीक है, ये चिकन का लेग पीस है, ये देख रहे हो, इसको हम चेक करेंगे। जबरदस्त है।